नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों 2022 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। ओम प्रकाश राजभर जब से अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार ऐसी ऐसी चीजें बोलते नजर आए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और बोला कि आपको जहां ज्यादा इज्जत मिलती है वहां पर आप चले जाइए। उसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर से नाता टूट गया। ओम प्रकाश राजभर लगातार प्रयास करते रहे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ दामन कर लिया जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ओम प्रकाश राजभर को गच्चा दे दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कहीं ना कहीं मिलने जुलने में लगे हुए हैं और पिछले दिन योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया था, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि 2024 में वो लोकसभा का चुनाव बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पार्टी में भारी बड़ी टूट होती नजर आ रही है। तमाम बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। शशि प्रताप सिंह से लेकर उनके जो महा जो आई थिंक काफी ज्यादा करीबी नेता रहे हैं सुभाषपा के भी, जो राजभर जो हैं वो कहीं ना कहीं साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके के लोग जो हैं आरोप लगा रहे हैं। लोगों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो घरेलू पार्टी बना लिए हैं और अपने लोगों को सेट करने में लगे हैं, तो वहीं विधायकों को पैसे लेकर टिकट बांटने की बात करते हैं। इस कड़ी में अगर मैं बात करूं तो सुभाषपा के एक प्रदेश महासचिव हैं जिनका नाम है अभिनंदन बर्नेवाल, उन्होंने फिलहाल जो है सुभाषपा का साथ छोड़ दिया है और सुभाषपा का साथ छोड़ते ही ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा खुलासा किया है और बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल बात करें तो जब अभिनंदन बर्नेवाल से पूछा गया कि ओम प्रकाश राजभर किस तरीके की सियासत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ता से बातचीत करते हैं और कार्यकर्ता के दम पर भीड़ जुटाते हैं और भीड़ जुटाकर जो है बड़े पार्टियों से गठबंधन करते हैं और खुद अपना चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो है वो ऐसे जगहों पर जहां पर उनके कार्यकर्ता मजबूत नहीं है वहां पर वो बड़ी पार्टियों से टिकट लेते हैं और उस टिकट को करोड़ों रुपए में जो है वो बेच देते हैं, क्योंकि उनको मतलब नहीं होता है कि वहां पर वो बंदा चुनाव हारे जीते, ये मैटर नहीं करता है। और इस मामले को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं उनको 6 करोड़ रुपए लेकर जो है ओम प्रकाश राजभर ने टिकट दिया है, तो वहीं एक और कैंडिडेट हैं उनको भी 6 करोड़ रुपए देकर टिकट दिया है। तो इस तरीके का जिस तरीके के आरोप लगाए हैं वाकई चौंकाने वाला है। और उनका यह भी कहना है कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर खुद विधायक बन गए, हालांकि बेटा चुनाव हार गया और बेटा जब चुनाव हार गया तो वो चाहते थे कि अखिलेश यादव जो है उसके बेटे को MLC बनाकर कहीं ना कहीं अलायंस ठीक रखे। जब अखिलेश यादव ने MLC नहीं बनाया तो ओम प्रकाश राजभर जो है वो अखिलेश यादव के विरोध में उतर गए और तमाम ऐसी चीजें बातें करने लगे, जिसको लेकर जो है अभिनंदन बर्नेवाल ने कहा कि ये सुभाषपा के सुप्रीमो प्रकाश राजभर की राजनीति है कि उनको अगर दोनों हाथ में लड्डू मिले तो ठीक है और नहीं मिले तो आप खराब हो जाएंगे, जिसको लेकर उनकी पार्टी में भारी टूट हो रही है। और उनका यह भी कहना है कि आने वाले समय में सुभाषपा का जो जादू है जो कहर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में सुभाषपा 0 विधायक की सीट पर सिमट जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है जिस तरीके की एक्टिविटी लगातार ओम प्रकाश राजभर करते नजर आते हैं उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।